अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि मेरी आज की जो वीडियो है वो किसके बारे में है, ऑफ़ कोर्स मेरी ज्वेलरी की डिज़ाइंस के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अभी जो गोल्ड की है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, वो हम लॉकर में रखते हैं। तो दैट्स वाई जो मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिज़ाइंस है वो बहुत ही प्रिटी हैं और मैं इनको टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ज्वेलरी डिज़ाइंस। लाइक सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास ये है, ये ब्रोच का डिज़ाइन है और ये बहुत ही एंटीक, बहुत ही, ये यहाँ का है भी नहीं, ये बाहर के कंट्री का है। और ये कहाँ से था? हाँ, ये था दुबई से। तो ये जो है ये बहुत प्रिटी है, अगर आपको लाइट से सही नज़र नहीं आए तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा जो जैसे शिफोन और सिल्क के दुपट्टे होते हैं वो खड़े नहीं होते, तो आप ये ब्रोच लगा के और जो है आप इसको, इसमें दूसरे भी डिज़ाइंस हैं, लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन हैं। ठीक है, तो ये तो था ब्रोच। उसके बाद मेरे पास दो टॉप्स के डिज़ाइंस थे, ये वाले, ठीक है, ये वाले दो टॉप्स के डिज़ाइंस थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तो डिज़ाइन मैटर करती है। अच्छा, ये जो है ये है सहारे कहते हैं, पता नहीं सराहे कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसका ना एक ट्रिक है, आप इसको किसी भी इयररिंग्स में इसको, वेट आपको शेड आता होगा तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये जो है ये आपने हुक किसी भी इयररिंग्स में लगा लेने और यहाँ आपने कांटा लगा के जो हेयर पिन होती है और आपने बालों पर ऐसे खड़े कर देने हैं। और इसका डिज़ाइन बहुत प्रिटी है, ये आप किसी भी, अच्छा इसका फ़ायदा यही होता है कि ये किसी भी इयररिंग से आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ आप इयररिंग से अटैच करेंगे और यहाँ आप हेयर पिन लगा के अपने बालों में और फिर आप इसको इस तरीके से वेयर करेंगे। तो ये बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा मेरे तो फेवरेट हैं। अब आपको पता नहीं पसंद आए या नहीं है, तो ये इसी का दूसरा वाला है, ठीक है। और ये है मेरे पास दो सिल्वर से इयररिंग्स, छोटे से क्यूट से, जो कि मैं अक्सर जैसे कॉटन की शर्ट पहन ली या आपने कोई कुर्ती पहन ली तो आपने ये इयररिंग्स जो हैं वो वेयर कर लिए। तो मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और मैं शौक से पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको अगर आप जो है वेयर करें। ये मेरे पास दो इयररिंग्स के हैं, ये इयररिंग्स के डिज़ाइन है, ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। देन मेरे पास है ये ब्रेसलेट, और ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है। ये अक्सर मेरे जो भी ब्लैक ड्रेसेस होती हैं तो उन पर मैं ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट पहनती हूँ। देन मेरे पास जो है एक क्यूट सा लॉकेट है, ठीक है, ये किसी भी आपने सिल्वर चेन में लगा लेना है तो फिर ये इसकी डिज़ाइन जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में इस बॉक्स में जो पड़ा हुआ है वो है ये जो नाक में पहनने वाली थी, ये आजकल बहुत कॉमन हुई थी तो मैंने भी ख़रीदी, लेकिन इसकी ना थोड़ी सी टूट गई है। तो ये नाक की है वैसे तो, लेकिन ये जो है फिर वो सही टूट गई थी, थोड़ी लो क्वालिटी की थी, आपसे झूठ क्यों बोलूँ, जो बात है, तो लो क्वालिटी की थी, चली नहीं, तो फिर मैंने इसको जो है चेंज कर लिया, ठीक है। इसको हम शॉपर में डालेंगे, जहाँ से निकाली थी वहीं अपनी चीज़ संभाल कर रखनी चाहिए, फिर बंदा पहने ना पहने, ठीक है गाइस। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई मेरी जो कि मैंने आप सबको दिखाई। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरी शॉपर में क्या क्या है जो कि मैंने शॉपर में ज्वेलरी संभाल कर रखी है। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला पाउच खोलूँगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये जो है ये बैंड है, ये आपने हाथ में ऐसे करके पहनना है और आपने ऐसे इसको टिच बटन क्लोज कर लेना है और ये ऐसे बैंड पहनते हैं, ये अच्छा लगता है बहुत। कभी आप जो है कुछ डार्क कलर की नेल पॉलिश, कुछ डार्क कलर का वेयर करें तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगता है।
देन ये मेरे पास जो है ये यहाँ का नहीं है, ये वाला जो नेकलेस मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी जो है एक फ्रेंड थी उसने मलेशिया से लिया था, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये ऐसे डिज़ाइंस कॉमन जो है मलेशिया में ही होती हैं, तो ये बहुत प्रिटी और ये इतना जो है मज़बूत है कि ये 100 मरतबा तो ये ज़मीन पर ऐसे गिर चुका है, लेकिन ये बहुत ही जो है ना ऐसे टूटने वाला नहीं है। और ये आप इजीली बस इसका ये नॉट जो है ये इसको आपने यहाँ से कर देना है हुक बंद, ठीक है, और आप इसको ऐसे ही ऊपर से वेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत प्रिटी। ये अक्सर तो मैंने इसको पता है कब पहना है, या तो प्लेन मेरी वाइट शर्ट हो या प्लेन ब्लैक शर्ट हो, इन दोनों चीज़ों पर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद गाइस ये चीज़ जो है ना ये मेरी फेवरेट है, इसको मैं खोल नहीं रही, खोलूँगी तो फिर ये स्टेपल करना पड़ेगा। तो ये झुमके हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे झुमके जो है ना वो भी ओल्ड स्टाइल के वो बहुत पसंद है। तो उसके बाद एक मेरे पास है ये बैंगल, ओ सॉरी बैंगल कह रही हूँ, ये है मेरे पास ये हार टाइप है, ये आप किसी भी प्लेन शर्ट पर पहन सकते हैं। और ये तो रिंग है, ये मेरी रिंग जो है यूज़ वाली है, लेकिन ये पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। ओहो ठीक है, तो ये रिंग मैं पहन रही हूँ, बताएं कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये मेरी जो है ये रिंग है, और ये जो है ये नेकलेस बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये भी यहाँ का नहीं है, ये सऊदी का है। तो उसके बाद लेट्स सी कि हमारे ख़जाने में से क्या क्या निकलता है। और ये जो है ये इयररिंग है, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इयररिंग्स मुझे गिफ्ट मिले थे, बहुत प्रिटी इयररिंग्स हैं, ये आप किसी भी सूट के साथ ऐसे जो है ना मैचिंग करके पहन सकते हैं। ये देखें आप, लाइट का शेड आ रहा है ना, तो ये इतना चमक रहे हैं कि वो लाइट के शेड में भी जो है ना सही से वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये आपने क्यूट से इयररिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद तो एक और जो है, वेट मैं देखती हूँ, इसके बाद जो मेरे पास है वो है ये जो है ये माथा पट्टी है, ये दो माथा पट्टी है, एक जो है ना एक इसकी दो लेयर्स वाली है और एक जो है एक पट्टी वाली है, लेकिन दोनों की जो पट्टियाँ हैं वो एक ही साइड पे हैं। ठीक है, तो आई होप जो माथा पट्टी के शौकीन होंगे वो समझ गए होंगे, जैसे ये माथा पट्टी है ना वैसे ये डिज़ाइन बहुत कॉमन हुई है। अब मेरे पास तो है, पता नहीं किस किस के पास होगी। तो ये कैसे पहननी है, ये इसका टीका हो गया, ठीक है, ये इसका टीका हो गया, और ये दोनों साइड्स जो है ना ये वाली ये एक साइड की है। और अच्छा, और ये जो मेरे पास प्रिटी से आप देख रहे हैं ये हैं पाँव में पहनने वाले पाजेब, तो ये भी बहुत अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये चांदी के हैं जिस पर मैंने गोल्ड का पानी चढ़ाया हुआ था, ठीक हो गया। और ये वाली जो माथा पट्टी है ना, ये वाली माथा पट्टी जो है ये सीधी ऐसे पहनते हैं, और इसका एक साइड वाला ये लेकिन एक लेयर है, उसमें दो लेयर्स थी, बाकी तो दोनों सेम हैं। वैसे ये तो माथा पट्टी की जो डिज़ाइन है ये बड़ी कॉमन हुई थी, तो लेकिन ये है क्या आपने कोई मैक्सी वेयर कर ली या शादियों में साड़ी वेयर कर ली तो उस पर अच्छी लगती है माथा पट्टी, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इतनी पसंद है नहीं। मैंने एक शादी पर पहनी थी, लेकिन मैं पता नहीं क्या अजीब लग रही थी, क्योंकि माथा पट्टी इज़ नॉट, मतलब नहीं, मैं मुझे नहीं भी इतनी पसंद ना। तो दूसरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्या चीज़ है, वो है ये चीज़। ठीक है, ये जो है ये बैंगल है, मैं खोल नहीं रही, ये बहुत सिल्वर सा क्यूट सा बैंगल है, ये आपने आम में पहना है और इसको आपने एडजस्ट कर देना है अपनी कलाई के हिसाब से, जैसे मेरी कलाई पतली है तो मैं उसको अपनी कलाई के हिसाब से एडजस्ट कर देती हूँ। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास जो चीज़ है वो है मेरे और दूसरे इयररिंग्स, ये वाले। अच्छा, ये ऐसे पहनते हैं, ये एक कान के और ये जो है ये दूसरे कान के, और ये बनके डिज़ाइन। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये, तो बहुत यार फेमस डिज़ाइन है ये, तो मुझसे किस किसने नहीं मांगी
ये तो बड़ी अच्छी डिज़ाइन है सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो बंदे की जो है चॉइस होनी चाहिए ना। उसके बाद एज सच मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो है, उसके बाद सब जो है वो आर्टिफिशियली है, लेकिन ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको मेरी ज्वेलरी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। टिल देन गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय।